डस पीआरपी वर्क अलोन, क्या पीआरपी अकेला काम कर लेता है? अगर आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो रहा है और आप पीआरपी ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो आपको कभी मन में तो ख्याल आता ही होगा कि यार मैं अगर पीआरपी डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं तो फिर बाकी टैबलेट और मेडिसिन कंटिन्यू क्यों रखनी चाहिए। तो दोस्तों, पीआरपी कभी अकेला काम नहीं करता। पीआरपी का जो मैकेनिज्म है, जिसमें प्लेटलेट नाम के सेल्स होते हैं, वो डीग्रेन्यूलेट में वो बर्स्ट आउट होते हैं, उनमें से ग्रोथ फैक्टर रिलीज होते हैं और वो बालों की जड़ों में जो डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करते हैं। ओके, तो पीआरपी का काम है डैमेज को रिपेयर करना। वो कौन से रीजन से डैमेज हुआ है उसको रिपेयर नहीं करता, मीन्स वो रीजन को कवर नहीं करता, वो सिर्फ डैमेज रिपेयर करता है। तो दोस्तों, मिनोक्सिडिल और पीआरपी ऐसी चीज़ें हैं, अगर बालों की जड़ों में डैमेज हो रहा है, बालों को ब्लड सप्लाई कमजोर होता जा रहा है, वो वीक होता जा रहा है, तो उसको वापस बूस्ट करके नॉर्मल लाता है, उसके स्टेम सेल्स की ग्रोथ बढ़ा देता है ताकि बाल वापस पहले जैसे ही नॉर्मली ग्रो करने लगे। पीआरपी से कभी भी बालों की थिकनेस एक लेवल से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, जो आपकी नेचुरल है वो लेवल पर पहुँच के रुक जाएगी। दूसरा, पीआरपी अकेला क्यों काम नहीं करता है? क्योंकि वो रूट कॉज को कवर नहीं करता है। तो पीआरपी हमेशा एड ऑन ट्रीटमेंट रहता है। जब आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, आपको उम्मीद से ज़्यादा रिजल्ट चाहिए, या आपकी मेडिसिन जो रिजल्ट आपको चाहिए वो लेवल पे नहीं लेके जा रही, तब पीआरपी का रोल आता है। ऐसे केस में जब हम पेशेंट को पीआरपी ट्रीटमेंट्स ऐड करते हैं तो उनका रिजल्ट जल्दी आता है, उनका रिजल्ट जल्दी आने के साथ ज़्यादा भी आता है। ओके, और तीसरा, उनके स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्ट बढ़ जाती है, बिकॉज जो डैमेज हुआ था वो ज़्यादा अच्छे से रिकवर हो जाता है विद इन दैट टाइम फ्रेम। अगर समझ लो आपने 4 PRP 6 महीने में ले लिए, तो विद इन दैट टाइम फ्रेम जो आपका डॉक्टर है, आपका जो ट्रीटिंग फिजिशियन है, उसको ध्यान देना रहता है कि आपका रूट कॉज क्या था वो भी कवर अप हो गया हो। जैसे कि आपका डैंड्रफ से समझ लो, डैंड्रफ से आपका हेयर फॉल ट्रिगर हो रहा था, आपका डैंड्रफ तब तक अपने कंट्रोल में आ जाना चाहिए। अगर आपकी जेनेटिक स्ट्रांग है और आपकी मेल पैटर्न बालनेस की एग्रेसिव पैटर्न है, तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप स्ट्रेस है, आपके लाइफस्टाइल में नरिशमेंट की कमी है, विटामिन की कमी है, तो वो विटामिन दे के आपका ब्लड लेवल जो विटामिन के वो नॉर्मल कर लेने चाहिए, और आगे जाके ऐसी डाइट फॉलो करनी चाहिए जिसमें आपको हेल्प मिले। तो दोस्तों, इन कंक्लूज़न, पीआरपी कभी भी अकेला काम नहीं करता। उसके साथ अच्छी डाइट, अच्छे विटामिन, थोड़ा बहुत मिनोक्सिडिल का रोल भी रहता है अगर आप मेल पैटर्न बालनेस जैसे ट्रीटमेंट्स में काम कर रहे हो। अगर एलोपेशिया एरियाटा या दूसरे रीजंस के लिए आप पीआरपी ले रहे हो, तो उसमें भी उसके साथ सहयोगी ट्रीटमेंट्स होते हैं जो आपका हेल्प करने के लिए मददगार रहते हैं, आपको हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, पीआरपी हमेशा विद कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट जाएगा और धीरे धीरे करके उसको कम करना रहेगा।